Hello guys, once again welcome back to Bikers World. As you can see, we have BMW GS in the house and आज इस पे क्रैश गार्ड एंड जी पी एस माउंट फिटिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल जी पी एस माउंट का आपको दिखाने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें क्रैश गार्ड इसका कैसे फिट होता है वो देखेंगे। तो लेट स्टार्ट। अभी प्रसाद भी आ चुका है और प्रसाद इस पे ये फिटिंग करने वाला है। सो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या फिट होने वाला है। ओके, सो नाउ वी आर इंस्टॉलिंग द विंडशील्ड, आफ्टर मार्केट विंडशील्ड वाइजर ब्रो का इस पर। एंड इसके लिए आपको जो आपका स्टॉक विंडशील्ड रहता है वो पहले निकाल के लेना पड़ेगा, जिसको चार एलन वाले बोल्ट्स रहते हैं वो, तो ये आपको निकाल के लेना पड़ेगा। एंड इसके साथ आपको नंबर प्लेट वाला होल्डर है वो भी निकल जाएगा। और अभी ये वाला जो है ये विंडशील्ड हम लोग लगाने वाले हैं, जो कि है वाइजर ब्रोस का। ये क्लियर विंडशील्ड है, इसमें ब्लैक स्मोक में मिल जाएगा एंड डार्क ब्लैक भी मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो आपका स्टॉक विंडशील्ड है वो निकल चुका है। उन विंडशील्ड के साथ हम लोग जीपीएस माउंट भी फिट करने वाले हैं। तो जीपीएस माउंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पूरा विंडशील्ड का सेटअप निकाल के लेना पड़ेगा, फिर नंबर प्लेट होल्डर पे ये जीपीएस माउंट फिट होगा। उसके लिए आपको ऊपर वाले रॉड का जो एलन बोल्ट है वो थोड़ा पहले लूज़ करके लेना है, एंड फिर आपको नंबर प्लेट का होल्डर है वो ऊपर वाले साइड डालना है और जीपीएस माउंट का उसके पीछे वाले साइड डालना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर प्लेट वाला है और उसके पीछे हम लोगों ने जीपीएस माउंट रखा हुआ है। एंड अभी इसके ऊपर विंडशील्ड फिट करने वाले हैं। विंडशील्ड के साथ आपको एक्स्ट्रा वॉशर्स भी मिल जाते हैं, उस वॉशर के साथ ये फिट करने वाले हैं। आपको सिर्फ पोल मैच करके लेने, क्योंकि अभी तीन टोटल ये रहेगा। सबसे पहले तो आपका जीपीएस माउंट आएगा, उसके ऊपर आपका नंबर प्लेट का होल्डर आएगा और उसके ऊपर विंडशील्ड। तो आपको प्रॉपरली मैच करके लेने होल। अभी वही चालू है, मैच कर रहे हैं होल। उसके बाद ये बोल्ट डालना है आपको, और जो आपका स्टॉक बोल्ट आएगा उस पर ये सब फिट हो जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ बोल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से। ये आपको ऐसे मैच करके लेने होल। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये, बट एक बार मैच होने के बाद ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अभी दो बोल्ट लग चुके हैं और वहाँ पे दो लगा रहे हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा सेटअप। ओके, सो एज यू कैन सी विंडशील्ड का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात ही करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बीबीजी का जो वाटरप्रूफ मोबाइल माउंट है वो इस जीपीएस माउंट के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ये मिल जाता है बॉल टाइप सेटअप, जिस पे माउंट डायरेक्टली लग जाता है और ये एलन की से ही होता है। कितनी चाहिए एलन की? चार नंबर के एलन की से ही इसको टाइट किया जाता है स्क्रू के साथ। तो अभी वही सेटअप लगा रहे हैं एंड दिस इज़ द माउंट। आपको ये पहले रिंग निकाल के लेना है। रिंग निकालने के बाद वो रिंग वहाँ पर बॉल के ऊपर रखना है और इसको सिर्फ आगे पुश कर देना है, दबा देना है, दैट्स इट। और फिर रिंग से आप टाइट कर लेना है जैसा चाहिए वैसा। सर फक्त बसून बघा नाही का? ते आपल्याला अँगल ॲडजस्ट करताय। टाईप करण्याच्या पहिले आप अँगल ॲडजस्ट कर लीजिए बैठ के, वो बेटर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको देख लेना है अपने हिसाब से और फिर ऐडजस्ट करके इसको टाइट कर दीजिए पीछे वाले रिंग को। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल सेटअप। सबसे पहले हम लोग विंडशील्ड के बारे में बात करेंगे। दिस वन इज़ एक्रेलिक विंडशील्ड विथ अ क्लियर वाइजर। ये क्लियर है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है बोल्ट्स, ये स्टॉक बोल्ट्स ही है। इसके साथ आपको ये वॉशर्स मिल जाएंगे, तो वॉशर आपको डालना है। एंड कुछ इस तरीके से ये सेटअप दिखता है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जीपीएस माउंट फिट किया हुआ है, जो कि जाना का है। एंड उसके ऊपर बीबीजी का मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है वाटरप्रूफ वाला। एंड कुछ इस तरीके से ये सेटअप दिखेगा आपको।